दोस्तों फ़ोन आने पर अगर आपका कॉल भी ऑटो पिक हो जाता है तो उसे ऑफ करने के लिए आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर जाना होगा। उसके बाद आपको डायल पैड को ओपन कर लेना है। करने के बाद आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना है। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद अब आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर ऑटो आंसर का ऑप्शन ढूंढ लेना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें ऑटो आंसर का ऑप्शन मिल गया है। तो आप साइड में देख सकते हैं ये ऑफ है हमारा, तो आपका यहाँ पर ऑन होगा। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। ऑटो आंसर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपका यहाँ पर ये इनेबल होगा, तो आपको इसे डिसेबल करना होगा अपने फ़ोन के ऑटो आंसरिंग को ऑफ करने के लिए। तो हम यहाँ से इसे डिसेबल कर देते हैं। जैसे आप इसे यहाँ से डिसेबल या फिर इसे ऑफ करते हैं तो जो आपका प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह से अब आप भी अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी हमारे इन वीडियो से नॉलेज मिल पाए दोस्तों। और इस तरह के और भी वीडियोस को पाने के लिए आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको उस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को हिट करके क्लिक करना होगा। और आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी पर्सनल सवाल हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।